Hello everybody, I am Roberto Ferrari from the University of Ferrara, and I'm here to tell you that to have elevated blood pressure is bad. It damages the heart, the brain, and the kidney. And the problem is that you do not feel the level of pressure in the pipes of your body. For this reason, hypertension or high blood pressure is considered the silent killer. This is because there is too much salt in your meal. So please, my message to you is please, please reduce the salt in your meal. Cook with less salt. Remember, this is an SOS. Step down with your salt. It's very important for your health. Of course, this can be done, and Dr. Rajiv Kumar Gupta will tell you how to do it. मैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, राजीव हार्ट के कानपुर, अपने सभी कानपुर नगरवासियों और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हृदय रोगों से मुक्त हों। आज की इस व्यस्ततम जिंदगी में जहां हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर काफी कॉमन है, मैं आप लोगों को हृदय रोग, विशेषता हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूँ। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का प्रवाह एक हाई प्रेशर से होता है, जिसके कारण हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है। वो कमजोर हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, या धमनियों में रुकावट हो सकती है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। पेशेंट को फालिश पड़ सकता है या उसके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की बात करें या उससे बचाव की बात करें, तो इसमें सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम डाइटरी मॉडिफिकेशन मान सकते हैं। वस्तुतः इस पर अगर हम WHO की गाइडलाइन देखें, तो हमें एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को या एक नॉर्मल बंदे को 5 ग्राम या कम नमक का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु हम भारतीय एटलीस्ट 10 ग्राम से ज्यादा डेली खाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक नमक का सेवन कम से कम करें, जिससे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकें। धन्यवाद।